स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉजिंग कंट्रोल एंड रेडियोग्राफी। स्टूडेंट्स, गॉजिंग से मुराद है किसी चीज़ को नापना और कंट्रोल से मुराद है किसी चीज़ को एक लिमिट में रखना, एक हद में रखना। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हुए जो इंडस्ट्रीज में मेटल शीट्स बनाई जाती हैं, पेपर शीट्स बनाई जाती हैं या फिर कपड़ों की शीट्स बनाई जाती हैं, उनको किस तरह से उनकी मोटाई को, उनकी थिकनेस को नापा जाता है रेडिएशंस के थ्रू, और किस तरह से उनकी थिकनेस को कंट्रोल किया जाता है रेडिएशंस के थ्रू। और सुनो, साथ ही हम डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफी को कि किस तरह से रेडियोग्राफी के प्रोसेस यानी कि एक्सरेज को इस्तेमाल करते हुए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के जब फोटोग्राफिक प्लेट्स पे इमेजेस लिए जाते हैं तो किस तरह से रेडिएशंस को यूज करते हुए पता चलाया जा सकता है कि हमारी बॉडी में कहीं पे कोई फ्रैक्चर या ट्यूमर तो नहीं मौजूद। और यही रेडियोग्राफी का प्रोसेस फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। तो वहाँ पे शिप्स में पता चलाया जाता है कि कोई फ्रैक्चर या फिर इस तरह की कोई गैप तो नहीं मौजूद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सेटअप मौजूद है जिसके अंदर एक एल्युमिनियम फॉयल बन रही है। एल्युमिनियम फॉयल जब बन के निकल रही है तो वो कुछ रोलर्स में से पास हो रही है जो कि उसको प्रेस कर रहे हैं एक खास थिकनेस उसकी बनाने के लिए। तो सुनिए, साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स रखी हुई है जिस सोर्स में से बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं यानी कि बीटा रेज यहाँ से गुजर रही हैं। और हम देख सकते हैं कि वही बीटा रेज इस एल्युमिनियम फॉयल में से गुजर के डिटेक्टर में डिटेक्ट हो रही हैं, ठीक है। और इस डिटेक्टर के साथ ही एक कंप्यूटर मौजूद है। डिटेक्टर के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कितनी बीटा रेज इस एल्युमिनियम फॉयल में से पास हो रही हैं, और कंप्यूटर यही इंफॉर्मेशन आगे देते हैं रोलर्स को। तो सुनो, जहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल की जो थिकनेस है उसको किस तरह से कंट्रोल में रखा जाता है इन बीटा रेज के थ्रू, जितनी हमें थिकनेस चाहिए होती है एल्युमिनियम फॉयल की उसी के मुताबिक, उसी एनर्जी के मुताबिक इन बीटा रेज को एमिट करवाया जाता है सोर्स से। तो दैट मींस कि जितनी हमें एल्युमिनियम फॉयल की थिकनेस रिक्वायर्ड होगी उतनी ही एनर्जी से जब यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट करवाए जाएंगे तो वो इजीली पास हो जाएंगे एल्युमिनियम फॉयल से और वो डिटेक्ट होंगे डिटेक्टर के थ्रू। तो सुनो, जहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल की ऐसी थिकनेस आएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो वहाँ पे बीटा रेज इस एल्युमिनियम फॉयल में से पास नहीं हो पाएंगे और डिटेक्टर के थ्रू ही हमें पता चल जाएगा कि बीटा रेज अब इस एल्युमिनियम फॉयल में से पास नहीं हो रही। तो यही इन्फॉर्मेशन यानी कि फीडबैक पास होगा कंप्यूटर में से रोलर्स को कि वो थोड़ा सा और प्रेस हों, यानी कि इस एल्युमिनियम फॉयल को इतना प्रेस करें कि वो उस थिकनेस की बन जाए कि इसमें से बीटा रेज इजिली पास हो सकें। तो सुनो, इसी तरह से एल्युमिनियम फॉयल या इसी तरह के मेटल्स की जो शीट्स बनाए जाते हैं उनकी थिकनेस को कंट्रोल में रखा जाता है इन बीटा एमिशंस के थ्रू। तो जो सेकंड प्रोसेस है, जो रेडियोग्राफी का प्रोसेस है, वो अब हम डिस्कस करेंगे कि रेडियोग्राफी का जो मेथड है उसको किस तरह से यूज किया जाता है मेडिकल में या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जाती हैं, और इन्हीं रेस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि पता चलाया जा सके कि उन स्ट्रक्चर्स में कहीं पे कोई क्रैक्स या कोई फ्रैक्चर्स तो नहीं मौजूद। तो स्टूडेंट्स, मेडिकल में एक्सरेज को यूज़ किया जाता है इमेजेस लेने के लिए ताकि इनके इमेजेस के थ्रू पता चलाया जा सके कि बॉडी के किसी हिस्से में कोई फ्रैक्चर या ट्यूमर तो नहीं मौजूद। क्योंकि एक्सरेज की खसूसियत ये होती है कि ये फ्लैश में से यानी कि जो बॉडी के मसल्स होते हैं उनमें से पास कर जाती हैं, या फिर किसी जगह पे फ्रैक्चर मौजूद होगा तो वहाँ से भी पास हो जाती हैं, लेकिन जो बोन्स और ट्यूमर्स होते हैं उनमें से ये पास नहीं कर पाती। तो सुनिश्चित यही चीज़ आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस जगह पे फ्रैक्चर मौजूद है यानी कि जिसको मैं यहाँ पे इनसर्कल कर रही हूँ, इस एरिया में हमें वाजह तौर से पता चल रहा है कि ये एक हाथ का इमेज लिया गया है जिसमें से एक्स रेज को पास करवाया गया है। और इस इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रैक्चर हुआ हुआ है यानी कि एक ब्रोन यहाँ पे ब्रेक हुई हुई है। तो सर, इस तरह से एक्सरेज को यूज करते हुए हमें फ्रैक्चर्स का इजीली पता चल सकता है। इसी तरह से सुनो, जो बड़ी शिप्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी इन्हीं रेस को यूज किया जाता है कि पता चलाया जा सके कि उन बड़ी शिप्स में कहीं पे कोई क्रैक्स तो नहीं मौजूद। क्योंकि जब उनमें से इन्हीं रेस को पास करवाया जाता है तो जहाँ पे क्रैक्स होंगे वहाँ से ये रेस पास हो जाएंगी। जैसे कि इस फिगर में आपने देखा कि जहाँ पे यहाँ पे फ्रैक्चर मौजूद है वहाँ पे हमारे पास डार्क रीजन आया है, तो उसके थ्रू हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक फ्रैक्चर मौजूद है बोन के अंदर। तो यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में भी, और वहाँ पे
शिप्स के अंदर मौजूद क्रैक्स का पता चलाया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने रेडिएशंस के थ्रू गॉजिंग और कंट्रोल को समझा है, और साथ ही हमने रेडियोग्राफी को भी देखा है कि इसको कैसे मेडिकल और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है।